अकबर बादशाह वॉज बॉर्न इन यूके। उमरकोट पैदा हुआ था बॉर्न। एंड ऑल ऑल किंग्स आर फ्रॉम देयर। वो ये क्या लिखा है उर्दू में? देखने वाली आंख होनी चाहिए, पहचानने वाली बात होनी चाहिए बादशाह को। वैसे फजल बख्श। हाँ जी। यहाँ ना जी शिवरा जी। अकबर बादशाह। ओह हाँ, जो अकबर बादशाह पेट में। मगर आपको पता है सच है, अकबर बादशाह वाकई में उमरकोट से था और मैं भी उमरकोट से हूँ। और कहते हैं कि दुनिया के जितने भी बड़े लीडर हैं, जितने भी अकलमंद लोग हैं, वो उमरकोट से होते हैं। तो बस मैं कोशिश करता हूँ जी, मैं किताबें पढ़ूँ, अपने इल्म में इजाफा करूँ और फिर मैं अपने गांव का नाम रोशन कर सकूँ CSS वगैरह करके। ये किताबें पढ़ के CSS नहीं होने वो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के एपिसोड 12 के हवाले से। इश्क मुर्शिद ड्रामा सीरियल जो कि हम टीवी का इस वक्त बहुत ही ट्रेंडिंग ड्रामा है, उसकी एपिसोड नंबर 12 में सुलेमान साहब अपनी बेटी शबरा से कहते हैं कि बेटा तुम मुझे बताओ तुम्हें फजल बख्श कैसा लगता है, तुम अपनी राय बताओ। ये बात सुनने के बाद शबरा थोड़ी सी हैरान होती है और वो कहती है कि बाबा आप फजल बख्श के बारे में इतनी संजीदगी के साथ मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि वो मुझे कैसा लगता है, मैं आपसे पूछती हूँ कि वो आपको अच्छा लगता है या नहीं। जिस पर सुफिया बेगम कहती है कि बेटा तुम्हारे बाबा इस हवाले से नहीं कह रहे, बल्कि तुम्हारे बाबा इसलिए कह रहे हैं कि फजल बख्श तुम्हें कैसा लगता है, मतलब अगर तुम्हें पसंद है तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद शबरा बहुत हैरान होती है और वो कहती है कि बाबा आप तो इसे जानते भी नहीं, ना ही उसके ख़ानदान के बारे में और ना ही उसके बारे में। जवाब में सुलेमान साहब कहते हैं कि बेटा अब मुझे उसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे जान चुका हूँ कि वो कैसा इंसान है, वो नहायत ही नेक और बहुत अच्छा इंसान है। फिर शबरा कहती है कि ठीक है आप जो कहेंगे मैं वही मान लूँगी, अगर आपको वो पसंद है तो ठीक है, लेकिन ये तो सोचिए क्या उसे शादी से इनकार है या नहीं। अगर उसने शादी करने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा, पहले आप फजल बख्श से उसकी राय मालूम कर लें। जिस पर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं फजल बख्श को कहूँगा कि वो कभी भी इनकार नहीं करेगा, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी राय क्या है। उसके बाद शबरा कहती है कि बाबा ठीक है लेकिन मैं आपको सोच कर बताऊंगी, मैं इस वक्त आपको हाँ नहीं कह सकती, मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। ये बात सुनकर सुकैना कहती है कि हाँ बाबा इसे वक्त दे दें, वो सोच कर ही इसका फैसला करेगी। तो जी दोस्तों अब आप लोग क्या चाहते हैं कि शबरा फजल बख्श के साथ शादी करने के लिए हाँ करे या इनकार करे, कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।